हाय एवरीवन, फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबका स्वागत है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। आप अपने फ़ोन से ही केवल एक मिनट में ही आप पता कर पाएंगे कि आपके आधार कार्ड से कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सबसे एक निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले दोस्तों, आपको अपना फोन में क्रोम ब्राउजर होगा, उसे ओपन करेंगे तो आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पर आपको सिंपल सब कुछ सर्च बार में जाना है और यहाँ पर आपको यूआईडी आपको टाइप कर देना है। इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकता है, वहां से भी आप जा सकते हैं उस पर क्लिक करके। जैसे ही यहाँ टाइप करेंगे, सबसे पहला ही वेबसाइट आ जाएगा uid.gov.in। सिंपल सब कुछ इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा जो आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे ओपन होकर आ चुका है। नीचे को आपको स्क्रॉल ऑन करना है। स्क्रॉल ऑन करते हुए एक सेक्शन आपको मिल जाएगा आधार सर्विस का, देख सकते हैं। आपको आधार सर्विस का सेक्शन मिल गया। यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे में देख सकते हैं, आपको नजर आता होगा वेरीफाई एन आधार नंबर। सिंपल सब कुछ पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे ओपन होगा, उसके बाद दोस्तों आपके आधार कार्ड का जो 12 डिजिट नंबर वो यहाँ पे टाइप कीजिए। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कैप्चा आपको नजर आता होगा, नीचे आपको कैप्चा फिल करना है। उसके बाद प्रोसीड एंड वेरीफाई आधार पर आपको क्लिक करना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर टाइप करता हूँ, उसके बाद कैप्चा फिल करता हूँ, उसके बाद प्रोसीड एंड वेरीफाई पर क्लिक करता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर टाइप कर दें, उसके बाद जो कैप्चा स्क्रीन पर नजर आता है उसे फिल करता हूँ, उसके बाद प्रोसीड एंड वेरीफाई में क्लिक करता हूँ। जैसे ही प्रोसीड एंड वेरीफाई पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका सबसे ऊपर में एज नजर आता होगा, जेंडर, उसके बाद स्टेट, और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर का लास्ट 4 डिजिट आपके पास शो होता होगा। इस प्रकार दोस्तों आप चेक कर पाएंगे कि आपका मोबाइल नंबर कौन सा लिंक है आपके आधार कार्ड में, क्योंकि दोस्तों आपके फोन में जिस भी नंबर में आपका लास्ट डिजिट मैच करता होगा वही आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में लिंक होगा। तो इस प्रोसेस से दोस्तों आप इजी वे में एक मिनट में ही आप पता कर पाएंगे कि आपके मोबाइल फोन किस आधार कार्ड से लिंक है, या तो फिर आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।